हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम एक क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू क्रॉनिक पैनी पोटेंशियल हमें प्रूव करना है कि जो क्रॉनिक पैनी पोटेंशियल है विथ पी मच मच लेस देन वन जो एनर्जी है लोएस्ट एनर्जी बैंड का के वो बराबर होता है स्कूल e यहाँ पर दिया है क्रॉनिक पेनी पोटेंशियल विथ पी मच मच लेस देन वन है ठीक है एनर्जी हमें इतना निकालना है तो इसको हम कॉपी पर कर करते हैं ताकि आसानी से समझ में आए ये रिलेशन हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल में किया था उसको लिखते हैं पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए कोस अल्फा ए जो है प्लस वो बराबर होता है हमारा कोस के ए के अगर हमारा के जीरो के बराबर है तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त कोस ऑफ जीरो आएगा जीरो इंटू ए जीरो आता है ठीक है तो कोस ऑफ जीरो आएगा जो कि हमारा वन के बराबर होता है तो हमें मिलेगा पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू वन कोस ऑफ के ए हमारा कोस ऑफ जीरो के बराबर होगा क्योंकि के हमारा जीरो है तो कोस ऑफ जीरो हमारा वन के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर वन ऐसे आया है ना हम कोस ऑफ अल्फा ए का साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए इज इक्वल टू वन माइनस कोस अल्फा ए कोस अल्फ़ा ए का साइड चेंज किया है पी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए हमें लिखना है साइन अल्फ़ा ए का भी हम साइड चेंज करेंगे तो वो होल डिवाइडेड में आ जाएगा तो होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा ए होगा वन माइनस कोस अल्फ़ा ए जो है वो बराबर होता है टू साइन स्क्वेयर अल्फा ए अपॉन टू के ये एक टिक्नोमेट्रिक फार्मूला है और उसी तरीके से साइन ऑफ अल्फ़ा ए जो है वो हमारा बराबर होगा टू साइन अल्फ़ा ए अपॉन टू कोस अल्फ़ा ए अपॉन टू के ये भी हमारा एक टिक्नोमेट्रिक फार्मूला है एक साइन अल्फा ए अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और टू भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा पी डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय कोस अल्फा ए डिवाइडेड बाय टू साइन डिवाइडेड बाय कोस जो है वो टेन के बराबर होता है तो हमें मिलेगा टेन अल्फा ए डिवाइडेड बाय टू ऑल्सो जो पी डिवाइडेड बाय अल्फा ए है वो टेन पी डिवाइडेड बाय अल्फा अल्फा ए के बराबर होगा ठीक है टेन ऑफ थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर आता है वो वाला रिलेशन हमने यूज किया है तो हम यहाँ पर पी डिवाइडेड बाय अल्फा ए के जगह पर टेन ऑफ पी डिवाइडेड बाय अल्फा ए लिख सकते हैं इसके जगह पर टेन पी डिवाइडेड बाय अल्फा ए लिखा और वो जो है हमारा बराबर होगा टेन अल्फा ए डिवाइडेड बाय टू टेन और 10 हो जाएगा कैंसल बचेगा यहाँ पर p डिवाइडेड बाय अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा a डिवाइडेड बाय 2 इसको और इसको इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर और 2 और p को इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा टू पी ए स्क्वायर का हमें साइड चेंज करना है तो अल्फा स्क्वायर हमारा बराबर होगा टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के हमें पहले से पता है हमने पहले वाले रिलेशंस में यूज किया था शॉर्डेंजर वेव इक्वेशन में भी कि जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो टू एम ई डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर होता है ये दोनों टर्म हमारा अल्फा स्क्वायर है तो टू एम ई डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर जो है वो बराबर होगा टू पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर के टू और टू हो जाएगा कैंसल बचेगा यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वेयर और यही हमें निकालना था ठीक है क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाया है सबसे पहले हम इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे और के के जगह पर हम जीरो पुट करेंगे तो कोस ऑफ जीरो वन होगा अल्फा हमारा टू एम ई डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर आता है ये हमने पहले क्रॉनिक पेनी मॉडल वाले टॉपिक में किया था और इसी टॉपिक में हमने ये वाला रिलेशन पी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए निकाला था तो यहाँ पर कोस ऑफ जीरो वन होगा वन आएगा पी डिवाइडेड बाय अल्फा ए जो है वो वन माइनस कोस अल्फा ए डिवाइडेड बाई सा है और ये दोनों टेक्नोमेट्रिक फार्मूलाज हमें यूज करना है कोस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्कोर थीटा आता है और साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा आता है वही दो फार्मूला हम यूज करेंगे एक साइन और टू कैंसिल हो जाएगा By बचेगा जो जो कि हमारा 10 होगा तो P by alpha A जो है वो अप्रोक्सीमेटली पी डिडेड बाई अल्फा ए के बराबर होता है यहाँ पर हमने टेन लिखा है टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हमें इतना मिलेगा टू पी डिडेड बाई ए फिर पहले वाले रिलेशन में हमने किया था कि जो अल्फा स्क्वायर है वो टू एम ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर आता है उस वैल्यू को हमें पुट करना है ठीक है दोनों हमारा अल्फा स्क्वायर है तो दोनों टर्म्स इक्वल होगा इससे हमें मिलेगा एनर्जी जो कि हमारा बराबर होगा एच क्रॉस स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय एम ए स्क्वायर के और यही है आज का हमारा टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग